मैं यहाँ नेशनल हाईवे 44 पे खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं कि क्या हाल है इस रोड का, कैसे मिट्टी हुई है आप देखिएगा। हमने कितनी बार ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये वीडियो भी बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन को जागरूक भी किया, और जो कंपनी है यहाँ पे, यो जो आपकी कंपनी है गेमन कंपनी, उसके बाद जो सबलेट काम किया हुआ है, और हम पिछले एक साल से देख रहे हैं कि यहाँ रोड पे लुक पड़ सकती है। एक साल छः महीने से देख रहे हैं नीचे, ये कब से लुक डालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं पड़ी। मैं कहना चाहूँगा कि क्यों लोगों को मारा जा रहा है, क्यों लोगों के साथ बेइंसाफी की जा रही है, कि आप देखते हैं ये मिट्टी जो है हमारे ये रामबन के लोगों को, चंद्रकोट के, करोल के, शेरी के, इस मिट्टी से इतना बुरा हाल है कि लोगों का जो है बीमार हो रहे हैं लोग, और बीमारी लग रही है लोगों को, चेस्ट बर्बाद हो रही है, छोटे बच्चे जो है उनको बीमारियां लग रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से और इवन एलजी साहब से, आप देख रहे हैं कि मास्क पहने हुए भी आप देख रहे हैं हमें किस तरह से मिट्टी परेशान कर रही है। अगर हमारा ये हाल यहाँ खड़े हैं, जो लोग पैदल चलते होंगे, मोटरसाइकिल पर आप देख रहे हैं चलते होंगे, जो ऑटो पे चलते होंगे, उन लोगों का क्या बुरा हाल होगा, किस तरह से वो मिट्टी यहाँ पाई जा रही है। मेरा एक ही बात है, आप देखिए क्या मेरी एक ही बात है एडमिनिस्ट्रेशन से, ये कह रहा हूँ कि खुदा की अल्लाह भगवान से डर के बख्शो हम लोगों को, इस मिट्टी धूल से बचाओ हम लोगों को। क्यों मारा जा रहा है हम लोगों को मिट्टी से, क्यों हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, क्यों गवर्नमेंट हमारे साथ मदर स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रही है। तो मैं इस गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि इस मिट्टी से हमें बचाइए हमारे लोगों को, और फौरन जो है इस पर ब्लैक टॉपिंग करिए। ये जो करोल से लेकर रामबन तक जो स्ट्रेच है, आप देख रहे हैं ये सारा, आप देखें सारा स्ट्रेच करोल से रामबन तक मिट्टी धूल से भरा हुआ है बुरी तरह से, और ऐसा कोई नहीं, कटिंग नहीं है, कटिंग हो गई है, कटिंग होने के एक साल के बाद भी इसको लुक नहीं डाल रहे हैं, ब्लैक टॉपिंग नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको ब्लैक टॉपिंग की जाए। अगर आप ब्लैक टॉपिंग नहीं करते, मजबूर मत करो लोगों को रोड पे आने के लिए, लोग सारे रोड पे आ जाएंगे, आपका काम भी बंद हो जाएगा, आपका काम भी नहीं चलेगा। क्या वजह है कि क्यों नहीं आप, ये जो आपको एक बार ऑर्डर भी हुआ, हजार बार ऑर्डर हुआ, मुझे लगता है अभी दो तीन हफ्ता पहले आपको ऑर्डर हुआ था डीसी साहब से कि यहाँ कम से कम तीन या चार बार पानी फेंकिए, यहाँ देखिए आप कोई पानी दिखता है, कोई पानी नहीं फेंका गया है, क्यों नहीं फेंकते हैं पानी, तीन बार पानी फेंकिए, लगभग एक दो घंटा तो राहत मिले लोगों को, और पूरी राहत के लिए आप लोगों को राहत देनी है तो आप इस पे ब्लैक टॉपिंग करिए, और करोल से रामबन तक जो स्ट्रेच है ये बुरी तरह से प्रभावित हुआ है मिट्टी से, इससे कई तरह की बीमारियां लोगों में लगने जा रही हैं। और एयर पोल्यूशन कंट्रोल वाले क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं देखभाल कर रहे हैं इस एरिया को। तो मैं फिर से स्ट्रांगली तरीके से कहना चाहता हूँ, इस स्ट्रेच में जो है ब्लैक टॉपिंग की जाए। जय हिंद।